और इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट से रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है। रिया के भाई को हालांकि जमानत नहीं मिली, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है रिया चक्रवर्ती को। एक्टर सुशांत सिंह की मौत का मामला और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर जिस तरह से जांच हुई और ड्रग्स पेडलर की बात सामने आई, रिया चक्रवर्ती को जेल जाना पड़ा था न्यायिक हिरासत में और उसके बाद आज जमानत मिल गई है बॉम्बे हाईकोर्ट से। बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली है रिया चक्रवर्ती को। हालांकि उनके भाई उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली है, लेकिन रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली है लेकिन रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा, उसे जमानत नहीं मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है रिया चक्रवर्ती को। रिया के भाई शौविक को जमानत नहीं मिली है, रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है रिया चक्रवर्ती को। और शर्तों के मुताबिक अब मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है बॉम्बे हाईकोर्ट से, हालांकि उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली है।